तो आपने पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है? क्या होता है, किसी को पता है प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो मान लेते हैं हम इसमें से कौन सा एलिमेंट लें? ऑक्सीजन ले लें। देखो, इस ऑक्सीजन के अंदर आपको दिख रहा होगा प्लस एट लिखा है। प्लस एट का मतलब क्या है यहाँ पर? एट एटम्स ओके, इसके अंदर क्या है? एट एटम्स है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। पता है आपको न्यूक्लियस बोलते हैं इसको? ओके, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो रहा है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सबको पता है। न्यूट्रॉन का मतलब क्या है? ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। ओके, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? मास नंबर या एटॉमिक मास। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मास नंबर या एटॉमिक मास बोल सकते हैं। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आपस में ऐड कर दोगे तो आपको इसका मास मिल जाएगा। किसका? ऑक्सीजन का मास। मान लेते हैं ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं आपने लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? हाँ, एट। इसका मतलब उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? एट। और उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी एट है। तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है? 16 ग्राम। समझ में आया? इसके बाद इनके जो ये आपको राउंड राउंड फॉर्म में दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट। ऑर्बिट का मीनिंग क्या होता है? मतलब जैसे अर्थ के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, सॉरी, अर्थ के चारों तरफ नहीं, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। दिस इज़ द सर्कुलर पाथ एंड दिस सर्कुलर पाथ इज़ नथिंग बट द ऑर्बिट। तो जो पहली ऑर्बिट होती है वो होती है के। सेकेंड ऑर्बिट को हम बोलते हैं एल, जो कि ये वाली है। समझ में आया? पहली ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे? के शेल। इसको शेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शेल सुना होगा आपने। अगर आपको नहीं पता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? शेल। शेल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होगा क्या? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट के शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फर्स्ट एंड देन ये सेकेंड। तो फर्स्ट शेल में हम क्या ले सकते हैं? जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे इन फ्यूचर तो ऐसे लिखते हैं टू, और फिर उसके बाद सेकेंड शेल में कितना आएगा? सिक्स। तो के शेल में कितना आएगा और एल शेल में कितना आएगा? सिक्स। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 6। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 6 है। अब मान लेते हैं कि ये इस एल शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल टेक द 2 इलेक्ट्रॉन। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा? इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से लेगा। कैसे लेगा? मान लेते हैं जैसे अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है कहीं किसी और एटम से, बट वो ऑक्सीजन का होना चाहिए कोई और? ऑक्सीजन का ज़रूरी नहीं है, वो सोडियम भी हो सकता है, वो मैग्नीशियम भी हो सकता है। मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते। अब बेसिकली इसमें जब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, मान लेते हैं कि Mg ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया। कैसे? Mg से Mg2+ बन गया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया Mg ने। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन। वो एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया? ऑक्सीजन पे ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? 2 माइनस। ऑक्सीजन 2 माइनस। और Mg पे क्या आएगा?
Mg2+। तो जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन उस पर आता है पॉजिटिव, उसको हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है। और जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलते हैं एनायन, समझ में आया। तो यहाँ दो तरीके के आयन्स रहते हैं। अब इसमें अगर इस पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो इसमें देखो आपको ये सीरीज दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट इसको, अरे इसमें बड़ी दिक्कत वाला सीन है। इसको जितनी बार टिक करेंगे ये आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा इधर नॉन मेटल्स है, तो ये सारे कैटायनिक फॉर्म में होंगे। कैटायनिक का मतलब क्या होगा कि ये सब क्या करेंगे, कैटायनिक का मतलब क्या है, यहाँ पर दो कंडीशन है। जब आप कैटायन बनाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, जब कैटायन बनाते हैं तो उस केस में जैसे मान लेते हैं मैंने पहले Mg का एग्जांपल लिया, कोई भी मेटल आप ले सकते हो, मेटल सारे क्या बनाते हैं M+ या M2+। जब दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, 2+। जब रिलीज इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसमें से तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, M पॉजिटिव। M का मतलब है मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है इसमें से। मेटल सारे कौन किस साइड में होते हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड में, जैसे भोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा, इसके इस तरफ, ठीक है। इसके इस तरफ नॉन मेटल्स है। तो मान लेते हैं जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया था, अभी ऑक्सीजन की जगह मैं कोई और भी ले सकता हूँ, जैसे फ्लोरीन ले लिया मैंने, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा F-। मतलब हेलोजन के ऊपर चार्ज क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। अब मान लेते हैं जैसे आपने ले लिया, जैसे मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूँ मैंने सपोज लिया है Mg2+ और उसको रिएक्ट किया Oxygen 2- के साथ। यहाँ पर लिया था मैंने Mg2+ और Oxygen 2- के साथ रिएक्ट किया, तो होगा क्या यहाँ पर, यहाँ क्या बन जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा MgO। तो कैटायन और एनायन आपस में मिलके एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, समझ में आया। जैसे अभी मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने NaCl ले लिया, सपोज़ मैंने लिया NaCl या MgCl2। ये सब क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये भी कैसे बनते हैं, बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। कैसे बनते हैं ये, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से ये बनते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बनते कैसे हैं। तो जैसे सोडियम है, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अभी मान लेते हैं आपने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर, हाँ जैसे NaCl का हम फॉर्मेशन बना रहे हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये देखो दिख रहा है 11 हो गया। इस रूल के हिसाब से हम सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ जैसे मान लेता हूँ मैंने सोडियम लिया है, ठीक है, बाहर आएगा नहीं, इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, सोडियम दिख रहा है आपको, ओके कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, फर्स्ट वाले में 2, ठीक है, फर्स्ट वाले में कितने हैं 2, इसका मतलब क्या लिखूंगा 2, सेकेंड वाले में कितने आ रहे हैं एल शेल में 8, थर्ड वाले में दिख रहा है, ये देखो ये रहा, दिख रहा है आपको 1, तो 2, 8, 1, हाँ उसको हम, ये हो जाएगा के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, और इसके और भी बाहर जो आएगा उसको हम बोलेंगे एन शेल, के एल एम एन, चार शेल्स होते, ठीक है।
तो 281 ले लिया। अब ये लास्ट वाला क्या करेगा, अपना इसको क्या करना है, इसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है, मतलब 8 कंप्लीट करना है इसको। तो ये क्या करेगा, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चले जाएगा, निकल जाएगा। तब जब इलेक्ट्रॉन इसके इससे बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके ऊपर आ जाएगा Na पॉजिटिव। ठीक है, अब Cl की बारी। अब मान लेते हैं हम Cl ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया Cl। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, मैंने सपोज Cl ले लिया। Cl में फर्स्ट वाले में कितने दिख रहे हैं? टू है ना। तो यहाँ पर Cl का एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। ये ले लिया हमने Cl। Cl में सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 दिख रहा है, 17। और इसके फर्स्ट शेल में कितने, दो इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सेकंड शेल में कितने, 8। थर्ड शेल में कितने, 7। इसका मतलब ये यहाँ से तो निकल जाएगा, यहाँ से निकल के ये जाएगा कहाँ, इधर। तो ये 8 हो गया ना। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किससे हो रहा है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, Na प्लस बना रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। Cl क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, ले लेगा यहाँ पर। तो उसको हम प्लस दिखाएंगे, Cl प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस। तो जब Na प्लस और Cl आपस में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बन जाता है NaCl, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? जैसे सॉल्ट बन गया सपोज, तो सॉल्ट कब बनते हैं, जब एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इसी केस में सॉल्ट बनेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव तो पता है ना क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गए। कुछ डाउट इसमें? नहीं। पक्का? आपको कुछ डाउट है कि कैटायन कैसे बनते हैं, एनायन कैसे?